नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम भुवनेश्वर उड़ीसा में हैं। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेंपल्स भी कहते हैं। आज दिन की शुरुआत हम श्री लिंगराज मंदिर में दर्शन करके कर रहे हैं। हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं, इस समय पार्किंग में खड़े हैं। मंदिर में मैंने पता लगाया कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन कैमरा हमको बाहर छोड़ के जाना होगा। मंदिर में जाते हैं, माथा टेक के दर्शन करके वापस आते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं। अभी हम मंदिर में भगवान के दर्शन करके आए। जब हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहाँ एक जो सेंट्रल टावर है उस जगह एक बहुत बड़ा पत्थर है, समझ लीजिए 8 से 10 फीट डायमीटर का, कहते हैं वो भगवान शंकर का शरीर है। उसी के बीच में आप भगवान विष्णु के भी दर्शन कर सकते हैं। तो आधा शरीर भगवान शंकर का और आधा शरीर भगवान विष्णु का, भगवान हरिहर के कम्बाइंड दर्शन। इस समय हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जगह मंदिर की बैक साइड में है। नॉन हिंदूज़ के लिए इस मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं है। तो मंदिर से मेन गेट से लगभग आप 200 मीटर पैदल चलकर इस जगह आ सकते हैं और यहाँ से पूरे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। ये मंदिर सोमवंशी डायनेस्टी के समय बनाया गया, बाद में गंगा रूलर्स ने इस पर एडिशन करी। सेंट्रल टावर जो आप सामने देख रहे हैं, इसकी हाइट लगभग 180 फीट है। मंदिर में छोटे बड़े मिलाकर 108 मंदिर हैं। मंदिर में ओवरऑल साफ़ सफाई मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। आर्किटेक्चर वेरी गुड, सैंडस्टोन और लैटराइट से यहाँ का स्ट्रक्चर बनाया गया था। मंदिर में ड्राई प्रसाद मिलता है, ये मैं लेकर आया हूँ, तो थोड़ा सा प्रसाद खा लेते हैं, बाकी प्रसाद मैं घर ले जाऊँगा। ये प्रसाद धान से बनाया जाता है। ये ड्राई प्रसाद 1 से 2 महीने तक प्रिजर्व रहता है। अगर आप दूर से भी आए हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स को ये प्रसाद आप पहुंचा सकते हैं। मंदिर के टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक। लेकिन अगर आप भगवान के नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह 6:30 से 9:30 के बीच में आइए, या दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में आइए। अगर आप बाद में आते हैं या इस टाइम के अलावा आते हैं तो थोड़ी सी दूर से आपको भगवान के दर्शन करने होंगे। चलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम जाएंगे राम मंदिर के पास नाश्ता करने। मंदिर के सामने ही नारियल पानी का स्टॉल, छोटा नारियल 25 रुपया, बड़ा 30 रुपया। ठीक बोला भाई सर। मौसम गर्म सा हो रहा था, राहत मिल गई। वैसे उड़ीसा आने के लिए जो बेस्ट टाइम है ना, वो है नवंबर से फरवरी तक। आज 30 अक्टूबर है, अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जाएगा, लेकिन आज गर्म है। श्री लिंगराज मंदिर से राम मंदिर पहुंचने में हमें लगभग 20 मिनट लगे हैं। सामने आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, वहाँ पर इधर का फेमस ब्रेकफास्ट मिलता है, चलिए वहाँ पर चलते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, समोसा, बड़ा, दही बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, काकरा, उपमा, पूरी। तो भाई पूरी किसके साथ खाते हैं हम? दालमा के साथ। तो मुझे आप एक दे देंगे पूरी, एक पूरी दालमा के साथ, और साथ में आप मुझे एक ये दे दीजिए काकरा। लो जी, पूरी तरह से प्लेट को दाल से लोड कर दिया, साथ में पूरी और काकरा। इसको बनाने में ना बैंगन भी डालते हैं अंदर, आलू भी डालते हैं और भी काफ़ी सारी सब्जी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है
दाल की रेशो ज़्यादा है और सब्ज़ी थोड़ी कम है, आलू तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्किन के साथ। ये जगह ब्रेकफास्ट के लिए इतनी फेमस है कि भुवनेश्वर में आप किसी से पूछें ना कि मेरे को बढ़िया ब्रेकफास्ट करना है तो सब लोग आपको बोलेंगे राम मंदिर के बाहर आप जाइए और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो काफ़ी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। वाओ, मानना पड़ेगा बड़ा इम्प्रेसिव टेस्ट है, धुआंदार गर्मा गर्म दाल और इतनी सारी सब्जियों के साथ जो मिक्स करके बनाया, हर वेजिटेबल का फ्लेवर दाल के अंदर है और मसाले वगैरह तो ना के बराबर, बहुत लाइट, सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। और पूरी बड़ी शानदार बनाई है। पिछले दो दिन में जहाँ जहाँ हम गए हैं ना, मैंने देखा है दालमा का हर जगह टेस्ट में फ़र्क है और वेजिटेबल में भी फ़र्क है, कोई कुछ डालता है कोई कुछ डालता है, लेकिन कद्दू सबसे ज़्यादा मैंने देखा दालमा में डलता है, सबसे ज़्यादा मतलब रहता ही रहता है, साथ में आलू तड़का सरसों का, तो ये बड़ा बेहतरीन टेस्ट दे रहा है और ये उड़ीसा में इतना फेमस है कि इसको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताया इन्होंने काकरा को सूजी और मैदे से बनाते हैं। काकरा अंदर से सॉफ्ट और बाहर क्रिस्पीनेस और हल्की हल्की मज़ेदार मिठास, अंदर नारियल की स्टफिंग। इम्प्रेसिव, बहुत मज़ेदार। बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा मिलकर। पेट भर गया मेरा, लेकिन इच्छा हो रही है एक चीज़ और लूँ, पता लगाता हूँ क्या ले सकते हैं। भाई मेरे को एक पीस दही बड़ा दे दो। अभी से पहले जो हमने दही बड़ा खाया ना, उसमें बड़े को बटर मिल्क में सोक किया हुआ था, यहाँ पर दही में। तो इसमें कुछ मीठा भी डालते हो? हाँ, भाई। क्या है मीठा? चीनी? अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैं बिना खाए नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर दाल को थोड़ा कोर्स लेवल पे पीसा गया। बड़ी वैरायटी है यहाँ पे दही बड़ा में। कटक का दही बड़ा अपनी जगह था, ये दही बड़ा अपनी जगह है। ये बोल पाना बड़ा मुश्किल है कि ज़्यादा स्वाद क्या लगा। यहाँ के दही बड़ा में भी एक यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस है दाल की कोर्सनेस, और इसके अंदर बनाने के लिए ये लोग सूजी भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर चावल ऐड करते थे बड़े के अंदर। वाह, बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। अच्छा हो गया मैंने फुल प्लेट नहीं ली, वैसे तो केवल दही बड़ा ही एक प्लेट खा लो तो आपका नाश्ता हो गया, हैवी है। वाकई बड़ी इंप्रेसिव जगह है। आज नाश्ते में मैंने जो जो यहाँ पे खाया ना, सब अपने आप में मेरे लिए बेंचमार्क है, इतना मज़ेदार है। चलिए जी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, हमारा अगला डेस्टिनेशन है धौली गिरी। उड़ीसा जर्नी की शुरुआत हमने ईस्ट उड़ीसा से करी, उसके बाद हम साउथ उड़ीसा गए जयपुर कोरापुट, वहाँ से हम संबलपुर चले गए वेस्ट उड़ीसा, लौट कर वापस हम ईस्ट उड़ीसा आए। ये जो मैंने आपको पूरी जर्नी बताई, ये आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप खूब इंजॉय करेंगे। ये एपिसोड जो आप देख रहे हैं कैम्बली ने स्पॉन्सर किया है। कैम्बली इंग्लिश लर्निंग ऐप है, इसमें आप 24/7 नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात करके इंग्लिश सीख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कंट्री से ट्यूटर्स हैं, जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया और भी काफ़ी सारी कंट्री से। मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ आप किस प्रकार से ओवर द कॉल नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं। कॉल करेंगे, हेलो, या वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू इफ यू वॉन्ट टू अप्रिशिएट फूड एट अ रेस्टोरेंट और सम एट समवन्स हाउस, so what are the best 4 or 5 ways in which one can do that? This food is so delicious. Thank you so much for this scrumptious meal. This meal is delectable. Great. This food is yummy. Thank you so much for your time. Yeah.
Thanks. Have a wonderful day. Nice talking to you. Thanks. ट्यूटर के साथ जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो इसके अंदर ऑटो रिकॉर्ड होती है, आप बाद में उसको सुन सकते हैं। अगर आप इसकी 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हमारा रेफरल कोड इस्तेमाल करके 32% का डिस्काउंट मिलेगा। उसकी डिटेल्स और लिंक दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से कैम्बली की साइट में जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर वर्जन भी है इस ऐप को इस्तेमाल करने का। चलिए अब आपको हम आगे का उड़ीसा एपिसोड दिखाते हैं। राम मंदिर से धौलीगिरी का रास्ता बहुत प्यारा है, स्पेशली लास्ट के 5 किलोमीटर चारों तरफ ग्रीनरी और ना के बराबर ट्रैफिक। हम धौलीगिरी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहां पर पार्किंग है। चलिए यहां स्टेयर्स हैं, ऊपर चलते हैं। मौर्यन डायनेस्टी के राजा अशोक के बारे में हम सब ने हिस्ट्री में कभी ना कभी पढ़ा है। आज हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर राजा अशोक की किस्मत का फैसला हुआ। यहां पर धौलीगिरी में राजा अशोक ने कलिंग के साथ महायुद्ध लड़ा। 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। इस महायुद्ध में कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, इसकी कोई गिनती नहीं है। एक तरफ राजा अशोक की मेगा पावर और दूसरी तरफ ताकतवर कलिंग राज्य। सामने आप जो दया नदी देख रहे हैं, ये नदी पूरी खून से लाल हो गई थी। इस युद्ध के बाद राजा अशोक का व्यक्तित्व ही बदल गया। युद्ध के बाद जो उन्होंने राजा अशोक ने बोला था, मैं हूँ गर्वित, बहुत प्राउड हो चुके थे उन्होंने, मैं हूँ शक्तिशाली सम्राट, मैं हूँ विजयशाली सम्राट, मेरे को जो कुछ मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय से एक छोटा बुढ़िया औरत ने आकर उनको मांगे थे, राजा अशोक तुम इतना देने के लिए तैयार हो तो मैं कुछ मांगूंगी, अब देख देने दे सकते हो क्या? तो और राजा अशोक ने कहा बोलो हम दे सकते हैं। औरत ने बोला था ये जो लाखों आदमी को आप मार चुके हैं, मेरा उसमें मेरा क्या बेटा मर चुके हैं, मैं इसे जिंदा देखना चाहता हूँ। ओहो, मेरे को आप जिंदा दे सकते हैं मेरा बेटा को? तो अशोक ने इनकार किया, मैं तो इंसान भगवान नहीं, कैसे देगू ना, ये अधिकार तो मैं नहीं है, ये जो आदमी ये लाखों आदमी को आप मारा वो अधिकार अपना नहीं, एक आदमी का जान आप दे नहीं सके तो लेकिन लाखों आदमी जान क्यों लेंगे? उन्होंने कहा आज के बाद मेरा राज्य का जो विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगी, वो युद्ध के आधार पर नहीं होगी, वो धर्म के आधार पर होगी। कलिंग वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। आपने राजा अशोक के रॉक एडिक्ट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, हम वो भी देखने जाएंगे। ठीक इसी जगह भगवान शिव का मंदिर भी है, हम मंदिर में गए, माथा टेका। हमें यहाँ पंडित जी ने बताया यहाँ पर शिवलिंग स्वयंभू है। मंदिर से 100 मीटर के डिस्टेंस पर पीस पगोड़ा है। इंडो जापानीज कोलैबोरेशन के साथ 1972 में ये शांति स्तूपा बनाया गया। 4 मूर्ति यहाँ पर जो आप लॉर्ड बुद्धा की देख रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये स्लीपिंग मोड में, ब्लेसिंग मोड, मेडिटेशन मोड। अब हम यहाँ से आधा किलोमीटर दूर राजा अशोक के रॉक एडिक्ट देखने जा रहे हैं। इंडिया में टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें से यहाँ पर एक है। धर्म परिवर्तन के बाद राजा अशोक ने कलिंग के लोगों से माफ़ी मांगी और अपने विचारों की इंस्क्रिप्शन रॉक्स पर करी, जो आप यहाँ पर रॉक एडिक्ट की फॉर्म में देख रहे हैं। अलग अलग रॉक एडिक्ट पर राजा अशोक के विचार हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स, काइंडनेस टू प्रिजनर्स, टॉलरेंस टूवर्ड्स एवरी रिलीजन। रॉक एडिक्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसी राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रॉक एडिक्ट को प्रिजर्व करने के लिए इस तरह से कवर कर दिया। रॉक एडिक्ट के ऊपर आप जो रॉक कट एलिफेंट देख रहे हैं, यहाँ पर हाथी का आगे का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। स्कूल टाइम में जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ा करते थे, उन चीज़ों को यहाँ पर फिजिकली आके देखना हमारे लिए बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपीरियंस रहा। आप जब भुवनेश्वर आएंगे तो आप आधे घंटे का सफ़र करके यहाँ पर ज़रूर आइए, समय बिताइए और इंडियन हिस्ट्री को डिटेल में जानिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जब आप भुवनेश्वर आएंगे ना तो लंच यहाँ करिएगा, उड़ीसा होटल,
यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड आपको खाने को मिलेगा और बहुत टेस्टी फूड है। धौली गिरी से शहीद नगर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पहुँचने में हमको आधा घंटा लगा है। चलिए अंदर चलते हैं। दोपहर में 2:30 बजे हम पीक टाइम पर यहाँ पर पहुँचे। ग्राउंड फ्लोर पर मैं देख रहा हूँ कि बाहर वेटिंग चल रही है, अंदर खचाखच रेस्टोरेंट भरा हुआ है। हमने रिक्वेस्ट करी हम थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, तो एनीवेज इन्होंने एक टेबल हमारे लिए खाली करवा दिया। हम इस समय फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं, खाने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया, बस इंतज़ार कर रहे हैं, 5-10 मिनट में आता ही होगा। अरे वाह ज़बरदस्त, ये चीज़ ना मेरे को बड़ी सही लगी है। वैसे मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में जब तक बैठा था ना, देख रहा था कि ये बड़ा सा थाल लेके आते हैं, उसके अंदर सब चीज़ होती है। दोस्त ये आप ले तो आए हो, अब ये बताइए क्या क्या चीज़ है। राजीव जी हैं, इनसे मुलाकात मेरे नीचे हो गई थी। अब ब्रदर एक बात बताओ, ये सबको क्या क्या बोलते हैं और ये है क्या क्या? ये हम लोग का फेमस स्पेशलिटी डिश मटन है, खस्सी मांसो बोलते हैं। ये पैडी मशरूम का राई है, छत्तू राई। और पैडी मशरूम विथ मस्टर्ड सीड्स करी। ये हम लोग का एक बेक्ड फिश है, रोहू का बेक्ड फिश है। और ये पम्पकिन फ्लावर विथ राइस बैटर। और ये हम लोग का मिक्स्ड ऑफ भाजी है, मिक्स भाजी बोलते हैं इसको। और ये पापड़, दाल, राइस, बड़ी चूरा, ये एक टिपिकल ओडिया डिश है। और ये संतोला बोलते हैं, ये भी एक टिपिकल वेज ओडिया डिश है। अच्छा, तो ये देखने में और कैसा, कुछ सुक्तो जैसा क्या? या बंगाली में सुक्तो बोल सकते हैं इन ओडिया, हम लोग इसको संतोला बोलते हैं। जैसे कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स विथ छोंको, नॉर्मल सा छोंको। ये काफ़ी हेल्दी फूड है। वाओ, अच्छा साथ में मैंने बोला था जो यहाँ का क्या बोलते हैं, पंच फूटन, ये पांच स्पाइसेस मिलाकर काफ़ी सारी सब्जी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सरसों, सौंफ, मेथी, काला जीरा और जीरा जी। तो इसमें कुछ लोग मॉडिफिकेशन कर देते हैं अपनी नीड के मुताबिक, लेकिन लार्जली ये पांच स्पाइसेस हैं जो यहाँ पर पंच फूटन इस्तेमाल किया गया खाने के अंदर। वाओ, जिस थाली में फूड सर्व किया गया है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनकी, ये जो थाली है जिसमें इंडिविजुअल चीज़ें सारे के सारा बेल मेटल है। ये देखकर ना मेरे को सौठे बड़ी की याद आ गई। असम टूर करते समय ना मैंने बेल मेटल को डिटेल में समझा था कि कैसे बनता है, कैसे यूटेंसिल्स होते हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, आप इसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले कैसे शुरुआत किया जाए, पम्पकिन फ्लावर, ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने असम में खाया था। ये पम्पकिन फ्लावर में फ्लावर तो ये रहा, तो ये बैटर क्या है इसमें? ये चावल का बैटर है। पम्पकिन फ्लावर में चावल का बैटर यूज करने से हैवीनेस है, मतलब आपने अगर 3-4 खा लिए तो एक तरह से हैवी स्नैक है। मेरे को असम टूर की बार बार याद आ जाती है, क्योंकि इस रीजन में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी फूड सिमिलैरिटी भी है। तो ये आलू पितिका वहाँ पर बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हो आप? आलू भरता, ग्रेट। इसका ना बड़ा फ्लेवर होता है, एक तो सरसों का तेल आता है इसमें, बड़ा मज़ेदार टेस्ट। और दूसरा जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो ये मैश पोटैटो का आपको स्वाद बड़ा मज़ा आएगा। आप लोग के यहाँ पे स्पाइसेस काफ़ी लो रहते हैं जी, बहुत हल्के मसाले, सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। बड़ी हेल्दी कुकिंग है। करेला भी मेरे को स्वाद लगा, लेकिन वो जो केले का एक पीस था ना वो तो बहुत अल्टीमेट है। पैडी मशरूम इसमें इस्तेमाल किया गया है, मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। ओह गॉड, बहुत अल्टीमेट है। क्या वो सरसों का टेस्ट ओवरराइड कर रहा है, और मशरूम का अपना स्वाद बड़ा जबरदस्त है। यू मस्ट ट्राई दिस पैडी मशरूम। मैं भी कोशिश करूंगा कि हमारे घर के पास में कहीं मिल सके पैडी मशरूम और घर पे ट्राई करें, लेकिन मुझे चांस कम लगता है। बड़ा ऑथेंटिक टेस्ट है इसका, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट। और लहसुन ऐसा पूरा डाल देते हो जी? अब देखो ये कितनी प्यारी चीज़ है कि लहसुन की पूरी तो ये कली निकाल के डाल दी, मेरे को बड़ा पसंद आया। वैसे भी मेरे को लगता है कि हर इंसान को लहसुन तो कंपलसरी दिन में खाना चाहिए, और हो सके तो ऐसे कच्चा खा लो, बदबू की चिंता मत करो कि सामने वाले को स्मेल कैसी आएगी, मतलब आप तो अपनी हेल्थ ठीक रखो। और दूसरी बात, ये मशरूम में विटामिन डी होता है, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते
या आपका जॉब बिजनेस ऐसा तो मशरूम खा के आप वो विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हो। आपकी स्पेशलिटी है मटन आलू झोल। झोल का मतलब है करी जी। वाह, बहुत सॉफ्ट है जी। ये खसी मांस जो होता है ना, ये उसका खासियत है कि बहुत सॉफ्ट रहता है और उसका कलर और स्मेल बहुत ही मतलब अलग है। एक स्पेशल अरोमा जैसा आपको आएगा। मैं एक अब मैं समझ गया आप लोग की ये कोई स्टार डिश है ये जी। हम लोग की ये स्पेशलिटी है। रास्ते में जब हम यहाँ पर आ रहे थे ना, तो गाड़ी के ड्राइवर को मैंने बोला था कि भाई वहाँ पर तुम क्या खाओगे और हम क्या खाएंगे, थाली की बात हो रही थी, तो बोला कि सर मैं खाऊंगा खासी मांसो। तो मैं तब समझ गया था कि इतना टेस्टी होगा ये नहीं समझा था, लेकिन अब खाने से समझ गया कि बहुत टेस्टी है और बहुत टेंडर है, बहुत टेंडर है। वाओ, वेरी इंप्रेसिव टेस्ट। और इसका स्मेल भी अलग है और फ्लेवर्स बहुत लाजवाब है। अभी तक मैंने जितना खाया ना, नेवर बिफोर टेस्ट इन माई लाइफ दो चीज़ का है, एक तो मशरूम जिसकी मैं तारीफ करते नहीं रुक रहा था, और दूसरा ये खासी मांसो। मेरे को आज लग रहा है कि मेरा लंच और डिनर इस समय कंबाइंड हो रहा है। आज रात को मैं कुछ नहीं खाने वाला। लो जी, अब बारी आ गई संतुला की। इसमें ना जो वेजिटेबल्स इन्होंने मेरे को बताया सारे, सबको बॉयल करके बनाया जाता है, जिसके अंदर भिंडी और क्या है, भिंडी है, परवल है, पपाया है, टमाटो है और बीन्स। अच्छा, ग्रेट। आम तौर पर जब हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं तो परसेप्शन होती है कि टेस्टलेस होगा, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की प्रिपरेशन खाओ ना, तो आपको पता लगता है कि बॉइल्ड वेजिटेबल में भी किस तरह के फ्लेवर्स डाले जा सकते हैं। मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है ये टेस्ट। और आपने सही बताया कि ये कुछ कुछ सूक्तों से मिलता है। अच्छा, ये टेस्ट और मजेदार हो गया बड़ी डालने से। एक करकरा सा पन आ गया, एक क्रिस्पीनेस सी आ गई खाने के अंदर। वाओ, मुझे लग रहा है इस जर्नी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो फिश में हमको वैरायटी मिलेगी, स्पेशली जब जब कोस्टल साइड में जाएंगे तो आगे चलकर हमें काफ़ी सारी फिश वैरायटी भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। क्या फ्लेवर्स है कुल मिला के, खाने में सिंप्लिसिटी है लेकिन लोडेड विद फ्लेवर्स। स्वाद ले लेके हमने ऑलमोस्ट सारा खाना ख़त्म कर लिया है, और अगले 5-10 मिनट में ये भी फिनिश करते हैं और यहाँ से चलते हैं। राजीव, थैंक्स आपने टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि राजीव के पास टाइम कम था, लेकिन फिर मैंने बोला भाई थोड़ा जो भी टाइम है साथ निकाल के बैठ जाओ हमारे, जिससे कि हम अच्छे से समझ सकेंगे। फूड मैंने बहुत इन्जॉय किया, थैंक यू। ठीक है, खाना खाते खाते टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद हम किसी से अपनी आइटनरी डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा टाइम वहाँ निकल गया, शाम के 5:30 बज चुके हैं, अंधेरा सा हो गया है। अब हम मार्केट बिल्डिंग निकल रहे हैं जो मार्केट बाज़ार है, थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे और उसके बाद आज की जर्नी एंड करेंगे। लेट होने की वजह से हमें 2-3 डेस्टिनेशन जो हमने पोस्ट लंच प्लान किए थे वो ड्रॉप करने पड़ेंगे। एक नंबर मार्केट की एंट्री तक हम पहुंच चुके हैं, चलिए थोड़ी देर मार्केट घूमते हैं। इस एरिया को यूनिट 2 मार्केट बिल्डिंग अशोक नगर मार्केट बोलते हैं। लेफ्ट साइड में तो शोरूम ज़्यादा दिख रहे हैं, और राइट साइड में शोरूम नहीं है लेकिन छोटी छोटी शॉप्स हैं, ज़्यादा दुकानें मेरे को यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स की दिख रही हैं। लेडीज़ वियर बहुत सारा है, काफ़ी सारी दुकानें बच्चों के कपड़ों की भी हैं। एक चीज़ मेरे को इस मार्केट के बारे में अच्छी लग रही है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं चल रहा, तो यानी किसी भी प्रकार से ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आप आराम से पैदल चलते चलते मार्केट एंजॉय करो। बीच में बेंचेस लगे हुए हैं, थोड़ी देर आपको बैठना है तो यहाँ पर बैठ जाओ। एक बार हम एंड तक जाएंगे फिर वापस लौट कर आएंगे।
लास्ट टाइम जब मैं मेघालय गया था तो अपनी वाइफ के लिए कुछ लेके जा नहीं पाया। उड़ीसा की साड़ी बहुत फेमस है और ये शॉप देख के मेरे को ध्यान आ गया कि मुझे साड़ी ले लेनी चाहिए। अंदर चल के दुकान में फाइंड आउट करते हैं, डिजाइंस भी देखते हैं और कुछ पसंद आएगा तो ले भी लूँगा। ये साड़ी क्या प्राइस में? ये आपका 6000। 6000। और दिखाओ थोड़ा डिजाइन। तो यहाँ के डिजाइन जिसको संबलपुरी साड़ी कहते हैं, डिजाइन में क्या क्या डिफरेंट होता है जो बाकी जगह नहीं होता? ये सब देखिए, जैसे टेंपल डिजाइन देखिए, ये सब, ये बॉर्डर देखिए, रेशम धागा का बॉर्डर है। वो मशीन में हो नहीं सकता, ये सब हाथ का बना हुआ। अच्छा, इस प्रकार का डिजाइन ओडिशा पैटर्न में चलता है। संबलपुरी सिल्क बोलते हैं। संबलपुर में कितना बड़ा काम है साड़ी का? बहुत बड़ा। अच्छा, बहुत कारीगर हैं क्या? बहुत कारीगर, घर घर में सब काम करते हैं। अच्छा, ये साड़ी क्या प्राइस में? ये आपका 6500। अच्छा, एक आधो डिजाइन दिखा दो। अच्छा, ये डिफरेंट है। डिफरेंट है, ये सब डिजाइन उड़ीसा में ही बनता है, बाहर में ये सब बन नहीं सकता है। हाँ, प्राइस बताओ। ये 7000। अच्छा, तो अभी आपने जो साड़ियाँ दिखाई हैं सब 6 से 7 की रेंज वाली दिखाई हैं। ये सब सारा पेंटिंग नहीं है, बुनावट है, टोटल बुनावट है। ये मार्केट 7 दिन खुली होती है, कोई दिन बंद होता है? बंद होता है लास्ट मंडे। तो स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है? ये 4000 से शुरू होता है। तो जितना हैंडलूम है उसकी स्टार्टिंग 4000 से। डिजाइन तो मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। ये वाला मैं फाइनल करूंगा। इसकी इन्होंने कीमत बताई है 8000 रुपये, लेकिन आप मुझे कितने में दोगे? 7000 रुपये में। तो एक साड़ी तो मैं यहीं पे फाइनल कर रहा हूँ, दूसरी मैं एक और लूँगा संबलपुर जाकर। तो संबलपुर क्योंकि हम जा रहे हैं तो वहाँ पर भी साड़ी देखेंगे और एक मैं वहाँ से खरीद लूँगा। ठीक है दोस्त, ये आप हमारा करवा दीजिए। राम मंदिर के पास सेंट जोसेफ स्कूल है, अभी हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी वैन्स खड़ी हैं, यहाँ पर स्ट्रीट फूड मिल रहा है। मुझे किसी ने बोला भी था कि शाम के समय आप जाना, 6 से 8 के बीच में आपको काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं, पहले एक चल के राउंड करते हैं, देख लेते हैं। भूख तो वैसे मेरे को नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कुछ मज़ेदार लगेगा तो खाएंगे भी। मैंने सारी फूड वैन्स देख ली है। मैक्सिमम फूड वैन्स में चाइनीज मिल रहा है, फास्ट फूड मिल रहा है, कुछ जगह शवरमा, कुछ जगह मोमोस। मेरा हैवी खाने का मन नहीं है तो अभी हम एक मोबाइल वैन के यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ महेश है, हमारी गाड़ी के ड्राइवर। महेश भाई तुम बताओ क्या लोगे? तुम्हें अगर पसंद आएगा तो मैं अपने ले लूँगा। ठीक है, मैं तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला लूँगा। स्ट्रॉबेरी, भैया एक ग्लास आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला मिल्क शेक दीजिए। तो अगर महेश बाबू पास कर देंगे तो मैं अपने लिए फिर लूँगा, नहीं पास करेंगे तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, आज लंच कैसा लगा? लंच अच्छा था। सही था ना? एकदम परफेक्ट था। हाँ, सही जगह लेकर गए भाई तुम हमारे को। कैसा है? अच्छा है। पास है? पास है। ठीक है भैया, मेरे को भी एक ग्लास बना के दो ये वाला। हाँ, मुझे लगता है मेरे लिए इससे अच्छा एंड टू द डे नहीं हो सकता था, क्योंकि भूख थी नहीं और यहाँ आकर कुछ तो खाने का मन हो रहा था तो खाया, नहीं तो शेक। स्वाद तो बढ़िया, स्ट्रॉबेरी क्रश, दूध और वनीला आइसक्रीम, गुड टेस्ट। और अच्छी बात यह है कि बर्फ ओवरलोड करके नहीं डाली, नहीं तो आमतौर पे काफ़ी लोग इतनी बर्फ़ डाल देते हैं कि ये पीने के बाद गला आपका नासाज हो जाता है।
टेस्टी। यहाँ पर जो आप स्टॉल्स देख रहे हो ना, ये हर दिन शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक लगते हैं, तो आप आकर यहाँ पर काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड है जो आप शाम के समय इंजॉय कर सकते हो। इसके साथ हमारी आज की भुवनेश्वर जर्नी समाप्त होती है। अब आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी, तो आज आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। तो आप भुवनेश्वर आएंगे तो कुछ समय आप खाऊ गली में स्पेंड कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे हम भुवनेश्वर से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और वाया कोणार्क हम पुरी जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।